बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर की सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक शाह के नामांकन को लेकर जोर शोर से तैयारियां वहां पर की गई है। देखिए हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये रिपोर्ट। अमित शाह आज गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दायर करने जा रहा है, तो उसके लिए खास तौर पर यहाँ पे रोड शो का आयोजन किया गया है। रोड शो के लिए ये खास रथ बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमित शाह की तस्वीर के साथ साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। दिलचस्प बात यह है कि ये सीट लाल कृष्ण आडवाणी की पारंपरिक सीट रही है। यहाँ पे कई सारे बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, जो नेता आज यहाँ पे हिस्सा लेने आने वाले हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात अगर हम कहें कि एक पारंपरिक लाल कृष्ण आडवाणी की सीट रही है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के युग का जो है वो अंत हुआ है और शाह युग की शुरुआत हुई है, क्योंकि ये गांधीनगर सीट से सालों से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीतते आ रहे थे। तो आज अमित शाह यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये खास रथ यहाँ पे बनाए गए हैं और इसी पर सारे जितने भी नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, उद्धव ठाकरे हो, नितिन गडकरी हो, सारे यहाँ पे इसी रथ पर इसी ट्रक पे सवार होंगे और यहाँ से पूरे रोड शो में हिस्सा लेंगे। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये उनका रोड शो रहेगा और ये रोड शो जो है वो पाटीदार चौक में खत्म होगा। वहां से अमित शाह सीधा गांधीनगर पहुंचेंगे और गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन उज्जवल होता के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, गांधीनगर चुनाव क्षेत्र। आज तक लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।